जनपद में कई जगह आप सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, किस तरीके की क्या व्यवस्था रहेगी और इसके फायदे होंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी सर का जो उद्देश्य है कानून के राज्य का स्थापित करने का, उसी को देखते हुए एक लंबे समय की योजना जो है उसको तैयार किया गया है। और सीसीटीवी जो है माननीय विधायकों के सहयोग से 80 लाख रुपए जो है वो विधायक निधि में मिले हैं, जिसमें 50 लाख सदर विधायक जी ने और 10-10 लाख का अलीगंज बारारा और जलेसर विधायक ने दिए हैं अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सीसीटीवी लगवाने के लिए। तो अब ये जो प्रस्ताव है इसको सीडीओ साहब को भेज दिया गया है, साथ में जो करस्पॉन्डिंग 2013-13 का जीओ है जिसमें सीसीटीवी विधायक निधि में लगवाया जा सकता है उसको भी भेजा गया है। और अब सीडीओ साहब के द्वारा आरईएस को इसका जो है प्रक्रिया कार्यदायी संस्था बनाया गया है और अब इसमें जो आगे की टेंडर की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और प्लान पूरा बनाया गया है, सभी चौराहे वगैरह कवर किए गए हैं। इसमें खासतौर से कैमरे ऐसे लगाए गए हैं जो अच्छी कीमत के हैं और जिसमें नंबर प्लेट और चेहरा भी पहचानने की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा वायर या वाईफाई का जो खर्चा है उसको हमने बचाया है। तो इस तरीके से कि पहली योजना है इस तरह की उत्तर प्रदेश में जिसमें इस पैमाने पर जो है सीसीटीवी लगवाए जाएंगे वो भी विधायकों से। सर ये सिर्फ शहर में लगाए जाएंगे, जनपद के अन्य कस्बों में भी लगवाए जाएंगे? देखिए जो सदर तहसील है जो एटा शहर है उसमें 50 लाख के कैमरे हैं, इसके अलावा अलीगंज जलेसर और मारारा तीनों तहसील में 10-10 लाख के कैमरे।